गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मैथ्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन। इन मल्टीप्लिकेशन टुडे वी स्टार्ट आवर पार्ट नंबर 3। ओके स्टूडेंट, सी हियर, टुडे वी स्टार्ट पार्ट नंबर 3 एंड टुडे we'll learn about multiplication of one digit numbers. Okay students, today we'll learn about multiplication of this one digit numbers. Beta, previous parts you learn about multiplication, how to solve multiplication, clear? So in this part we'll learn about one digit numbers. Okay, one digit number like multiply. Here see one question, multiply 3 by 8, multiply 3 by 8. अब 3 को multiply करना है 8 से, 3 को multiply करना है 8 से। वैसे तो बेटा आपको टेबल आती है और आप सॉल्व कर सकते हो कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल 3 8 जा 3 8 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24। तो आपको मालूम है कि 3 8 जा 24 हो गया। लेकिन इसे करोगे कैसे आप? उसे आप इस तरीके से करोगे कि यहाँ पे वंस की प्लेस पुट करोगे, यहाँ पे टेंस नोट करोगे। इस 3 को वंस की प्लेस पे नोट करोगे, इस 8 को भी आप वंस की प्लेस पे नोट करोगे। क्लियर है? क्लियर है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। अब आप इस 8 से 3 में मल्टीप्लाई करिए, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 4 यहाँ पे और 2 टेंस की प्लेस पे। क्लियर बेटा? बोलिए क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? तो ये समझ में आया? और एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है आपको 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। सिंपल है, यहाँ वंस यहाँ टेंस, 4 2 मल्टीप्लाई, 2 की टेबल 4 टाइम, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है आपको 9 में 4 से, बस वंस टेंस, 9 नोट कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 की टेबल 9 टाइम, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 4 9 जा 36। आप यहां पे आंसर फिल करोगे 6 और टेंस की प्लेस पे 3, आपका क्या हो गया 36। ओके बेटा, क्लियर? और क्वेश्चन करा दें? चलिए और भी ले लीजिए। जैसे बेटा और हम बात करें कि अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर। अभी तो वन डिजिट नंबर था, अब जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर पे। ये देखिए कैसे होगा। आपके क्वेश्चंस होते हैं कि मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाइड बाय 2। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, कैसे करेंगे?
देखिए ये टू डिजिट नंबर है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट हो गया ना। चलिए वंस टेंस, क्लियर हो गया ना टेंस। अब क्या करेंगे, एक प्लेस और आप चाहो तो नोट कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। चलो देखो 82 को ऐसे नोट कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 2 नोट कर देंगे। 2 2 जा 4 2 8 जा 16, यहां पे 100 की प्लेस आ जाएगी, ठीक है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। 2 8 जा 16 1 6 16, ओके क्लियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 10 11 नोट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से 5 1 जा 5, और सेकेंड स्टेप होगा फिर इस टेंस में 5 1 जा 5। बेटा क्लियर, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन था इसमें कोई कैरी नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, लेकिन अब के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके जिसमें आपको कैरी करना होगा। क्या यहाँ कैरी करना पड़ा था? नहीं, जैसे आप एडिशन में कैरी करते हो वैसे यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, कैरी करना होगा। चलिए देखते हैं, ये क्लियर हो गया ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन होगा आपका 26 मल्टीप्लाइड बाई 2, और क्वेश्चन होगा आपका बी नंबर या 2 नंबर की 49 मल्टीप्लाइड बाई 2। कैसे करेंगे देखिए, सिंपल, वंस की प्लेस, टेंस की प्लेस, 26 टू टेंस 6 वंस, कोई प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई का साइन, 2 वंस, क्लियर। इस अकॉर्डिंग आप सबसे पहले नंबर्स को अरेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम, इस अकॉर्डिंग नंबर्स को अरेंज कर लीजिए। अब कैसे करेंगे, 2 की टेबल 6 टाइम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। बेटा इस 12 को यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस 12 को देखिए, ये 2 डिजिट नंबर है ना, लेकिन हमेशा हमें यहाँ पे 1 डिजिट ही रखना होता है। तो अगर 1 डिजिट रखना होता है तो देखेंगे वंस की प्लेस पे क्या है, 2 है ना, वंस की प्लेस पे 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, 2। अब इस सर 1 का क्या करेंगे, तो इस 1 को भर देंगे, ठीक है। अब 2 की टेबल 2 टाइम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 में इस 1 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4 1 5, तो यहां पे क्या नोट कर देंगे, 5, क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं, यहां पे 9 है, 2 की टेबल 9 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। यहाँ पे क्या आया बेटा, 2 9 जा 18 आ गया। अब इस 18 में वंस की प्लेस पे क्या है बेटा, देखिए वंस की प्लेस पे 8 है, तो हम यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। टेंस की प्लेस पे क्या है, 1, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1, क्लियर, मीन्स कैरी कर देंगे। अब 2 की टेबल 4 टेन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 में आप 1 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9, क्या हो जाएगा, 9, क्लियर है। बोलिए कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे करने में, आई थिंक नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा
एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है? तो आइए देखिए, मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है आपको 14 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है? तो 1s की प्लेस, 10s की प्लेस, ठीक है? ये इस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आपकी कॉपी में ऐसे कॉलम्स होते हैं, बस आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, क्लियर? 14 है ना, 4 किसकी प्लेस पे है, 1s की प्लेस पे है, तो 4 फिल कर देंगे। 1 किसकी प्लेस पे, 10s की प्लेस पे, 1 फिल कर देंगे। मल्टीप्लाई करना है यहां पे, हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। मल्टीप्लाई करना किससे है, 5 से करना है, 5 फिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन, और आपको प्रोडक्ट यहां पे आएगा ना। चलिए देखिए, इस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन जो भी होगा बुक में, कुछ इस अकॉर्डिंग आपकी बुक में होगा क्वेश्चन, क्लियर? कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम 1s की प्लेस को। 1s की प्लेस पे देखेंगे क्या है, 4, मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से, मतलब टेबल किसकी पढ़नी है, 5 की, कितने टाइम पढ़नी है, 4 टाइम, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अब 5 4 जा 20। बेटा देखिएगा, 5 4 जा क्या हुआ 20, इसी 4 टाइम में ही तो हमें रीड करना था टेबल, कर लिया, ठीक है, क्या आया 20, 20 में 1s की प्लेस पे क्या है बेटा, 0, तो इस 0 को यहाँ पे पुट कर देंगे। 10s की प्लेस पे क्या है बेटा, 2, इस 2 को यहाँ पे कैरी कर देंगे। देखिए ये कैरी वाला मैटर है, जो ये वाला बॉक्स है वो कैरी का है, क्लियर है? अब क्या करेंगे, 5 की टेबल 1 टाइम, तो 5 1 जा 5, 5 में आप ऐड कर दीजिए 2, 5 में ऐड कर दीजिए 2, तो 5 प्लस 2 7, यहां पे क्या पुट कर देंगे, 7। बेटा क्लियर हुआ क्या, नहीं क्लियर हुआ एक बार फिर से बता दें, बहुत ही सिंपल, कोई भी क्वेश्चन आपका इस अकॉर्डिंग हो, आप सबसे पहले उसे कॉलम में अरेंज करिए। कॉलम में कैसे अरेंज करेंगे, देखेंगे हमारा 2-digit नंबर है, मल्टीप्लाई करना है 1 से, 1-digit नंबर से, तो अगर 2-digit नंबर है तो 1s 10s वहां पे हम नोट कर देंगे, नीचे एक बॉक्स छोड़ देंगे, क्योंकि कैरी हो सकता करना पड़े, हो सकता ना करना पड़े, ठीक है? फिर हम अपने फर्स्ट डिजिट को नोट, नंबर को नोट कर लेंगे 1 10 4 1, क्लियर है? मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम 1s की प्लेस पे करेंगे, फिर हम 10s की प्लेस पे करेंगे, क्लियर बेटा? बोलिए क्लियर हो गया? तो इस अकॉर्डिंग बेटा आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, ठीक है? ओके, देखिए ये एक्सरसाइज 5.3 भी आपको कंप्लीट करना है, इसके बाद आपको रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। रिवीजन एक्सरसाइज इज वेरी इजी, रिवीजन एक्सरसाइज में फिल इन द बॉक्सेस हैं, ब्लैंक्स हैं, इन सभी चीज़ों को फिल करना है, करिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो डाउट क्लास में आप डाउट ले लीजिएगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट, कल डाउट क्लास के आफ्टर डाउट क्लास योर टेस्ट, ओके? सो टुमारो विल बी योर टेस्ट, सो वी प्रिपेयर, ओके स्टूडेंट? तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, मैं बताऊं। देखिएगा क्या है कि एक्सरसाइज 5.3 में एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 एंड 5। उसे करने में हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्लियर? हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो चलिएगा बेटा, उस क्वेश्चन में क्या है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है? आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे अकॉर्डिंग है बेटा,
क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल बना हुआ है ऐसे, फिर उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, फिर उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और यहां क्वेश्चन ये कहता है कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ टू, ठीक है, टेबल ऑफ टू कह रहा है, तो यहां टू का मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। अब ये ठीक है, ये आपका वन टू थ्री फोर, यहां पे वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन, एट, नाइन और टेन, ये कुछ इस अकॉर्डिंग है बेटा। आपको यहां पे टू लिखा हुआ है और यहां पे ट्वेल्व है, यहां पे एट है, आफ्टर, जस्ट आफ्टर। अब इस जो ब्लैंक है ना बेटा, यहां पे आपको फिल करना है। सर कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, टेबल आती है आपको ना, तो टू वन जा टू हुआ है ना, तो टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, सॉरी यहां पे टेन होगा, टू फाइव जा टेन, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन और टू टेन जा ट्वेंटी। देखिए बेटा पहले से तो ये फिल था, ये फिल था, लेकिन और तो हमने फिल किया है ना, ये फिल था मान लीजिए। सिंपल है, यहां पे जो भी नंबर होगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके यहां पे फिल कर दीजिएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है, तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके, कंप्लीट करिएगा, कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में क्लियर कर लीजिए, तो बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।